टीएनपीएल 2022 का दसवां मैच जो खेला जाने लाए रॉयल किंग्स मदर सिटी मदुराई पंटर्स के बीच, आपको इसमें दूंगा हैट्रिक और बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इसमें पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताएंगे। मुझे क्या लगता है इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है, क्या नीलाई रॉयल किंग्स की टीम इस मैच को जीतेगी या जीतेगी सिटी मदुराई पंटर्स की टीम, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। देख लेते हैं आपको इस मैच के बारे में ए टू जैसे बताया जाएगा सभी रिकॉर्ड जो आपको इसी में बता दिया जाएगा। वीडियो पर जरूर उससे पहले अभी तक आपने जो है इस वीडियो लाइन में कर दे सब्सक्राइब, आपको पता है किसी मैच जिसने हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज्यादा मायने रखता है। इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये दोनों टीमें लास्ट के तीन बार जब आपस में भिड़ी है तो आपको बता दूं दो बार जो है सिटी मदुराई पंटर्स की टीम जो है नीलाई रॉयल्स से जीती है, वह नीलाई रॉयल्स की केवल एक बार जो सिटी मदुराई पंटर्स से जो है जीत पाई। जब ये तुम्हें लास्ट बजे आपस में भिड़ी तो उसमें जो कौन सिटी मदुराई पंटर्स की टीम जो है जीती थी। बात करें दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की तो बता दूं नीलाई रॉयल्स किंग्स की टीम लास्ट की जो पांच मैचेस खेली है उसमें तीन चार मैचेस जीती है, एक मैच जो है हारी है। बात करें सिटी मदुराई पंटर्स की, सिटी मदुराई पंटर्स की लास्ट के पांच मैचेस खेली है उसमें तीन मैचेस जीती है, दो मैचेस जो है हारी है। आपको बता दूं नीलाई रॉयल्स किंग्स की टीम जो है अपने लास्ट के जो पांच मैच चार मैच जीती है, एक मैच जीती है किससे, डिंडुला के ड्रैगन से, एक मैच जीती है एसएस की टीम से, एक मैच जीती है किससे चिपॉक सुपर गिल से, एक मैच जीती है किससे एसएस की टीम से जीती है, एक मैच जो हारी है किससे एलके की टीम से जो है हारी है। वहीं बात करें एसएमपी की टीम की तो एसएमपी की टीम यानी कि सिक्किम मदुराई पंटर्स की टीम जो लास्ट के पांच मैच में तीन मैच जीती है ना, एक मैच जीती है एलके की टीम से, एक मैच जीती है चिपॉक सुपर गिल से और एक मैच जीती है किससे आई ड्रीम त्रिपुर से, ठीक है। वहीं दो मैचेस जो हारी है, दोनों मैचेस जो है किसे, एक मैच हारी है एसएस की टीम से, एक मैच हारी है चिपॉक सुपर गिल से। मैच दोनों टीम लास्ट मैच जो है जीत कर आ रही है, ठीक है। बात करें दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन का तो बता दूं कि नीलाई रॉयल्स किंग्स के मैं लास्ट के 10 मैचेस के लिए सभी टीमों के साथ तो नीलाई रॉयल्स किंग्स का विनिंग परसेंटेज 60% का रहा है, एवरेज स्कोर 144 का, हाईएस्ट स्कोर 184 का, लोएस्ट स्कोर 77 रन का। वहीं अगर बात करें सिटी मदुराई पंटर्स की तो सिटी मदुराई पंटर्स लास्ट के 10 मैचेस के सभी टीमों के साथ तो इनका विनिंग परसेंटेज 50% का रहा है, एवरेज स्कोर 140 का, हाईएस्ट स्कोर 184 का ही रहा है, वहीं लोएस्ट स्कोर 97 रन का रहा है। ये बात है टीएमपी 2022 के पॉइंट्स टेबल के, अगर पॉइंट्स में ये दोनों टीमें कहां पे रैंक करी, दोनों में क्या हालचाल है पॉइंट्स टेबल में, तो आपको पता नीलाई रॉयल्स किंग्स की टीम जो टीएमपी 2022 में टोटल जो तीन मैचेस खेले तीनों के तीनों मैच जो है जीती है। बात करें सिटी मदुराई पंटर्स की तो ये भी दो मैच टीएमपी 2022 में खेली है, दोनों के दोनों मैचेस जो है जीती है, ठीक है। नंबर वन पे रैंक कर रहे नीलाई रॉयल्स किंग्स की टीम, वही नंबर टू पे रैंक करे सिटी मदुराई पंटर्स की टीम, टॉप की दो टीमें हैं जो अब इस मैच में भिड़ने जा रही है। चलिए बात करें दोनों टीमों का टीम एनालिसिस जो कि वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप इसे बिल्कुल ही मिस मत किया कीजिएगा। बात करें दोनों टीमों की ओपनिंग साइड, दोनों टीमों की ओपनिंग साइड बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है अभी, ठीक है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में आपको नीलाई रॉयल्स किंग्स में ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, बैटिंग डेप्थ जो है एसएमपी यानी कि सिटी मदुराई पंटर्स के पास है, पेस बॉल में दोनों टीमें स्ट्रांग है और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट नीलाई रॉयल्स किंग्स में ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। चलिए बात कर मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शंस के बारे में, उससे पहले आप देख लो कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम जो ज्वाइन किया है कि नहीं किया, नहीं हुआ तो फटाफट ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्रेडिक्शन में बता दूं दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इसमें कौन आपको जो है सिटी मदुराई पंटर्स की टीम जो इस मैच को जीतती दिखाई दे सकती है, बड़ा ध्यान कभी कभी ऐसा हो लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के पहले आप जो लाइक कर दे, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर बिल्कुल ही ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाकर जरूर से ज्वाइन करें फाइनल अपडेट फाइनल प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं उसमें, बाय।